हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल जैसे कि आप देख रहे हो और सोच भी रहे होंगे कि मैं बड़े दिनों बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि मतलब आजकल इतना काम है ना कि वीडियो बनाने के लिए टाइम ही नहीं लग रहा है। और पहले तो श्राद्ध का काम चला हुआ था और अब जैसे कि नवरात्रि स्टार्ट हो गई है तो सारा काम इकट्ठा ही पड़ गया है। पहले बच्चों के पेपर भी लगा, मतलब इकट्ठा ही पड़ गया था। तो मतलब आज भी इतना काम था, आपको मैं बताती हूँ। क्योंकि मेरे पास दो कमरे हैं, अभी तक ऊपर वाली स्टोरी के कत्तों का भी काम चला हुआ है तो आधा अधूरा ही काम बना हुआ है अभी फ़िलहाल। तो हम अभी ऊपर मतलब थोड़ा बहुत सामान वगैरह या कोई काम होता है तब तो हम ऊपर चले जाते हैं रूम में। वैसे ऑलमोस्ट हम यूज़ करते हैं अभी तो दो ही कमरे हैं। तो संडे को ना मैंने घर में एक छोटी सी पूजा रखी हुई है तो ज़्यादा नहीं, लेकिन हम परिवार वाले ही जो है वो 10-12 मेंबर हैं। और जैसे हमने अपनी ननद जी को बुलाया हुआ है और जेठानी जी की लड़की भी है तो उस हिसाब से मतलब मायके वाले भी हैं तो थोड़े से मतलब लोग हो जाएंगे। तो मतलब साफ़ सफाई तो फिर आपको पता ही है कि नवरात्रि में तो ऐसे भी साफ़ सफाई बनती ही है और लोग आएंगे तब तो साफ़ सफाई ऐसे भी करनी ही पड़ेगी। ऐसी बात नहीं है, साफ़ सफाई तो हर कोई करता है, लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये है कि साफ़ सफाई मतलब जैसे घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो तो साफ़ सफाई तो करने के लिए बनती ही है। तो बेड का मैंने जो एक था ना मतलब वो बेड उसको सिंगल कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये जो मैंने बेड डबल लगाया हुआ था मैंने एक बेड जो है बाहर निकाल दिया है और ये मैंने ये वाला ना मैं मंदिर नया लाई हूँ। नया मंदिर पर वारना गई थी तो ये वहाँ से मंदिर नया लगाई हूँ। और देखिए मैंने ये पूरा स्पेस जो है ना वो कमरे का मतलब खाली कर दिया है। ज़्यादा नहीं, 20-25 आदमी होंगे तो बैठने के लिए मैंने जगह बना दी है। ये देखिए, सुबह से ना मैं यही काम में लगी हुई थी और टाइम ही नहीं लगा मुझे। तो अभी थोड़ी देर बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मैं अभी आपके साथ बात ही कर लेती हूँ। ये जो रखा हुआ है टेबल के ऊपर सामान है, ये खाने पीने का सामान है और जैसे थोड़े से हवन की सामग्री है तो ये सारा खाने पीने का ही बाकी सामान है। और बस इसी काम को करते करते मतलब ये टाइम हो गया, टाइम ही नहीं लग रहा है ब्लॉग शूट करने के लिए। तो सोचा चलो अभी मैं आपके साथ ब्लॉग शूट करके बात ही कर लेती हूँ। और आज ना मतलब पुरु के पापा भी घर में नहीं हैं क्योंकि नवरात्रि लगी हुई है तो 9 दिन जो होते हैं हम अपनी चिकन की शॉप को बंद करते हैं। क्योंकि हम 9 दिन ना मतलब जैसे नवरात्रि की माता में पूजा करते हैं तो हम चिकन कट नहीं करते हैं। और श्राद्ध में तो वैसे हम दुकान खोल लेते हैं, मतलब श्राद्ध में तो हर कोई इंसान हर कोई के फ़िलहाल तो अब तो हर कोई खा लेते हैं, पहले नहीं खाते थे लेकिन अब लोग श्राद्ध में चिकन खा लेते हैं। और हम नवरात्रि में जो है ना बंद रखते हैं दुकान को, तो वो घूमने के लिए चले गए हैं क्योंकि साल भर जो होता है ना वो दुकान से कहीं भी नहीं जाते हैं। बोलते हैं कि अगर दुकान को छोड़ के हम इधर उधर घूमने लगेंगे तो मार्केट ख़राब हो जाती है। तो भाई वो तो घूमने चले गए हैं। और आज ना हम घर में मतलब मेरी बेटी, बेटा और मैं, हम तीन ही हैं। और अभी आज हमने ना खाने में पता क्या बनाया है? क्या बनाया पुरु? चटनी और चावल। हाँ, और खाने में क्या बनाया? अभी ये चावल बना के आई है। और जैसे उस दिन मैंने बताया था कि मतलब मेरे किचन गार्डन में जो है वो जापानी टमाटर लगे हुए हैं तो मतलब मैंने जापानी टमाटर की चटनी बनाई है। तो अभी मैं अभी ऊपर किचन में जाऊंगी और मैं आपको बताती हूँ क्योंकि जो चटनी जो है जापानी टमाटर की तो पुरु ने ही बनाई है, थोड़ी सी हेल्प कर दी है मतलब इसकी सिस्टर ने। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि उसने मतलब कैसी चटनी बनाई है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एक बात बोलूँ, इतना थक गई हूँ ना कि कंधे, टांगों में और पूरे शरीर में ना मतलब थकावट के कारण शरीर मतलब थक सा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ और वहाँ पे बताती हूँ कि इसने कैसी खाने में चटनी बनाई है क्योंकि मैंने कोई भी सब्ज़ी नहीं बनाई है और खाने में सब्ज़ी नहीं बनाई है। बोल,
सब्जी नहीं बनाई है और चावल ही बनाए हैं और उसके साथ चटनी बनाई है। तो चलिए मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ और आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको बताऊँगी जापानी टमाटर की चटनी। तो ये देखिए, जापानी टमाटर की चटनी ऐसी होती है, ये देखिए रेड कलर की होती है। इसमें कुछ नहीं डाला है, इसमें सिर्फ पुदीना, टमाटर और मिर्ची और नमक डाला जाता है। बाकी इसमें अगर आप ऐड करना चाहो तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। बाकी इसमें आप जो बोलो भाई, इसमें खटियाई डाली जाती है, नींबू की या आमचूर वगैरह डाला जाता है, तो इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता है। क्योंकि ये जो टमाटर होते हैं ना, इसमें ये खुद ही मतलब इतने खट्टे होते हैं कि इसमें सॉरी खटियाई को डालने की ना जरूरत नहीं पड़ती है। और बोला जाता है कि जिनको ना मतलब पेट में कोई ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कोई भी चीज़ गर्म खाते हैं तो उनको जल्दी सी मतलब गर्मी हो जाती है पेट में, तो ये वाली चटनी खानी चाहिए। और जिनको पित्त होते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता है, लेकिन पित्त वो होते हैं जिनको पित्त होते हैं, उनको भी ये चटनी जो होती है वो फायदेमंद बताई जाती है। और जैसे जिनके, चलो चटनी तो जो होती है मतलब भूख भाग जिनको नहीं होती वो अच्छी होती है, लेकिन ये चटनी जो होती है ना सबसे बेस्ट हो जाती है। जो रोगी होते हैं मतलब जो बीमार होते हैं, तो मैक्सिमम डॉक्टर यही बोलते हैं कि अगर आपको भूख ना हो तो आप मतलब जापानी टमाटर की चटनी खाना मतलब। तो मैंने आपको बता दी ये है जापानी टमाटर की चटनी। क्योंकि जैसे ना पुरु के पापा घर में नहीं होते हैं तो हम मैक्सिमम हम ऐसे ही करते हैं, वो घर में होते तो वो बोलते हैं मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, और हम जो होते हैं भाई हम तो सब कुछ खा जाते हैं। और अभी तो हम खाने का वैसे आनंद ले रहे हैं, आइए और आप भी चटनी का आनंद लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ अपने ऊपर वाले लैंटर में और अभी आप मौसम का हाल चाल देख सकते हो कि कैसे हैं, क्योंकि अभी ना बादल गरजने स्टार्ट हो गए हैं और हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश पड़ जाए। क्योंकि मौसम के बारे में ना कुछ बोला नहीं जा सकता है, कभी बारिश हो रही है, लेकिन अभी ना 4-5 दिन हो गए हैं काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और बारिश नहीं हुई है। लेकिन अब क्या है भाई, जितने दिन बारिश नहीं हुई है तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बारिश ना हो, तो बारिश के पूरे पूरे आसार हैं। और देखिए इस साइड जो है ना वो बादल आ चुके हैं और अभी कभी एक साइड देख रहे हैं तो धूप लगी है, तो कहीं पर छाया है। और हमारी मैडम जो कि मिस पूर्वा, इनका जो है ना अब मंडे को स्कूल लगने वाला है, ये 8th क्लास में पढ़ती है और आपकी शिमला से, पूरी हो शिमला शिमला गई। से शिमला से आया ना नोटिस? हाँ नहीं, धर्मशाला से। अच्छा, तो अभी जो थे ना, पहले हमने इसको CBSE स्कूल में डाला था, क्योंकि अब जब से लॉकडाउन पड़ा हुआ है तो भाई मेरा तो, मैं ये अपने हिसाब से बोल रही हूँ, क्योंकि हम जो दिहाड़ीदार आदमी हैं, हमारे लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना और काफ़ी मुश्किल होती है। और दूसरा फिर बच्चे अगर स्कूल में भी जाते हों तो चलो इतना ना भी लगता है कि हाँ जी हमारे बच्चे जा रहे हैं तो चलो फीस वगैरह होती है, लेकिन जैसे कोरोना पड़ा हुआ है तो मतलब होता ही है कि हमारे बच्चों को जो जो फीस देते हैं वो बड़ी भारी लगने लगती है कि हाँ जी फीस ज़्यादा है, हम अपने बच्चों को वहाँ पे ऐसे कैसे हो ही जाता है। तो बेटी को ना हमने स्कूल से निकाल लिया था, तो हमने अभी इसको गर्ल्स स्कूल बवारना में डाला है और सोमवार से ना इसके स्कूल लग पड़े हैं और रेगुलर, वो भी बोल रहे हैं रेगुलर लग पड़े हैं। और इस बार तो बता रहे हैं कि जो 8th क्लास है वो बोर्ड है, तो चलो अच्छी बात है लग पड़े हैं स्कूल। घर में भी वैसे बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन जैसे ना ये कोरोना चला हुआ है तो इसमें बच्चों को जो स्कूल भेजने में थोड़ा बहुत तो होता ही है डर, लेकिन चलो बुलाया है तो, क्योंकि स्कूल वाले भी काफ़ी सेफ्टी यूज़ करते हैं। पिछली बार भी जब इन्होंने स्कूल लगाए थे तो हर मतलब वीक में 2-3 बार अपनी पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज करते थे। तो चलो अब जाएगी ये भी मंडे को स्कूल, और अब बच गया बेटा तो उसकी तो ऑनलाइन क्लासेस चल ही रही है, और अभी उसके जो हुए हैं पेपर ख़त्म, एग्ज़ाम और ऑनलाइन क्लास फिर से स्टार्टिंग हो चुकी है। लेकिन ना आज 2 दिन हो गया, 2 दिन से मैंने इसको मतलब 2 दिन से क्लास अटेंड नहीं करवाई है, क्योंकि घर का काम इतना है। मैसेज तो मैंने मैम को छोड़ दिया है कि मैं 2 दिन इसकी क्लास अटेंड,
तो 2-3 दिन से ना मैं, हो सकता है शायद मैं मंडे को भी इसकी क्लास ना लगाऊं क्योंकि उस दिन भी गेस्ट वगैरह होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग आज यहीं पर ही अपने छोटे से ब्लॉग के साथ करती हूँ, और फिर हम मिलेंगे आपके साथ कल एक नए ब्लॉग को लेके। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप ना मेरा मंडे वाला ब्लॉग जो है ना देखना ना भूलें, क्योंकि वो मंडे वाला ब्लॉग जो है उसमें ना मैं आपको कुछ नया, मतलब जैसे जो मेरा फंक्शन होगा, हम फंक्शन में अपने रीति रिवाज जो भी होंगे मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ हो सकता है मेरे, मतलब संडे वाले ब्लॉग, संडे वाला जो फंक्शन होगा ना उससे दो, हाँ दो की ब्लॉग बन जाएं, क्योंकि मैं लंबी वीडियो बनाऊंगी तो मैं 2 बार डालूंगी यानी 2 ब्लॉग कर दूंगी। तो आप मेरा ना संडे को होगा फंक्शन, हाँ मंडे को जो ब्लॉग डालूंगी आप देखना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा बाय।